हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी का हिंदी लैंग्वेज के एफटीआर वीडियो के भाग दो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में मेरे द्वारा व्याकरण के वो सारे पक्ष बताए गए थे जो बहुत ही छोटे छोटे थे, परंतु आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे तत्व की ओर आपको लेकर चलूंगी जिससे हमेशा से प्रश्न आपको घुमावदार पूछे जाते हैं, जो सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट होते हैं, इसलिए आप इसे बड़ी आसानी से समझ नहीं पाते। यदि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो क्यों है, यदि वह जातिवाचक संज्ञा है तो क्यों है, दोनों के मध्य अंतर क्यों है, इन सारे चीजों को समझाते हुए आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको विकारी और अविकारी शब्द की पूरी चर्चा बताऊंगी। तमाम प्रकार के प्रश्न होंगे, वीडियो का ड्यूरेशन भी बढ़ सकता है क्योंकि प्रश्नों की संख्या भी पिछले वीडियो की तरह यहाँ भी ज्यादा है। उद्देश्य यह है कि प्रश्न की संख्या ज्यादा है, साथ में आपको हर एक टॉपिक कवर कराया जाए, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको भाषा से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सरलता का जो है वो प्रभाव देखने को मिले, इसलिए उबाऊपन से ना देखें। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था और इसमें कोशिश ये रहेगी कि सारे तथ्यों को मैं बहुत अच्छे से आपको सरल रूप से समझा सकूं। आज के इस वीडियो में हम विकारी अविकारी संधि और समास की चर्चा करेंगे। आखिर ये विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं? जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है और यदि उन शब्दों पर वचन, लिंग और कारक रचनाओं के अनुसार किसी भी प्रकार का विकार रूपांतर उत्पन्न होता है तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है, जिसे डेक्लिनेबल वर्ड्स कहा जाता है। इसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। परंतु यदि इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए और किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन, विकार या रूपांतर उत्पन्न न हो तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है, यानी कि इनडेक्लिनेबल वर्ड्स। इसमें आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक। इनको विकारी बनाने का काम करता है हमारा वचन और लिंग। इसलिए संज्ञा यदि नाम है तो बदले में आता है सर्वनाम, संख्या बताने का काम करता है वचन, विशेषता बताने का काम करता है विशेषण। उनके द्वारा की जाती है क्रिया, उनको पहचान देता है लिंग और कार्य के समय का निर्धारण होता है काल के द्वारा। एक रचनाओं का माध्यम है वाक्यों को बांधने के लिए कारक रचनाएं, और उसी में हम विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए अविकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इन सबसे संबंधित प्रश्न कैसे होते हैं, किस तरह कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इन सब की चर्चा आज के वीडियो में आपसे की जाएगी। तो चलते हैं एफटीआर हिंदी भाषा के भाग दो के इस वीडियो के पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न संज्ञा से है जो यह पूछता है। पहला प्रश्न संज्ञा से पूछता है एग्जाम्पल में कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। प्रश्न ने पूछा है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब एक ही प्रकार का व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा, एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति, प्राणी के जाति विशेष का बोध कराए तो जातिवाचक संज्ञा होती है। और यदि वो संज्ञा शब्द के गुण, दोष या भाव संबंधी नाम का बोध कराए तो भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और समूहवाचक संज्ञा यानी कि एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह का बोध कराए तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये हमारे लिए हो गया कलेक्टिव नाउन। प्रश्न ने कहा है नदी में बाढ़ आ जाती है। अब भारतवर्ष में कोई एक ही प्रकार की नदी नहीं है, तो प्राकृतिक तत्व, रिश्ते नाते, सगे संबंध और ऐसे तत्व जो एक नहीं अनेक प्रकार की जाति विशेष का बोध कराए तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। तो प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। अब है क्वेश्चन नंबर टू।
पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वाक्य में पंडित जी किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक संज्ञा। अब ध्यान रखेंगे कि पंडित कहने से जातिवाचक संज्ञा होती है, ध्यान समझिएगा। पंडित कहने से पंडित, मंत्री, मामा, काका, बूढ़ा, बच्चा, लड़का, लड़की, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पंडित जी कह रहा है मतलब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबोधन किया जा रहा है, जो एक व्यक्ति विशेष है। इसलिए पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वाक्य में पंडित जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि यही प्रश्न कहता है पंडित मंदिर में पूजा करता है, तो कोई एक पंडित नहीं है और न ही कोई एक मंदिर है, ऐसी स्थिति में वह पंडित शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाती। परंतु यहां पर पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे कह रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है पक्षी वृंद उन्मुक्त गगन में उड़ रहे हैं वाक्य में संज्ञा पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है समूहवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पक्षी वृंद कहने से पक्षियों का समूह है जो उन्मुक्त गगन में उड़ रहा है। इसलिए जब एक ही व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह का बोध हो तब वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। इसलिए यदि वो पक्षी वृंद कहता है, बारात, दल, गिरोह, टुकड़ी, सेना, जमघट, प्रदर्शन, रैली, गुच्छा कहता है, तो सब समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर फोर, पंडित की भाववाचक संज्ञा क्या है? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जहां किसी संज्ञा शब्द के गुण दोष या उसके भाव का बोध कराया जाए तो भाववाचक संज्ञा होती है। करुणा, माया, मोह, प्रेम, मिठास, ये सारे भाववाचक शब्द हैं जो पहले से निर्धारित हैं। कभी कभी हम जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है, एक सर्वनामिक शब्द में, इसके अलावा हम चाहें तो विशेषण, यहाँ तक कि हम चाहें तो क्रिया जैसे शब्द में यदि हम कोई प्रत्यय का शब्द लगा दें तो उससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। अब यहाँ पंडित कह रहा है तो यह जातिवाचक संज्ञा है। इस पंडित का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो पंडिताई, पंडिताओ, पंडितपन और पांडित्य कहता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पांडित्य। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, जिससे बना लड़कपन, बच्चा से बना बचपन, सर्वनामिक शब्द अपना से बना अपनापन, विशेषण लाल से बन गई लालिमा, कड़वा से बन गया कड़वाहट और क्रिया चढ़ना से बन गया चढ़ाई, और इस तरह भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। परंतु प्रश्न ने सिर्फ यही पूछा है कि पंडित की भाववाचक संज्ञा निम्न में से क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी पांडित्य। अब है क्वेश्चन नंबर फाइव, निजवाचक सर्वनाम क्या किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का किस वाक्य में प्रयोग हुआ? अब यहां से संज्ञा के बाद प्रश्न पूछा है सर्वनामिक शब्द से, तो संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। यहां पर दिया है निजवाचक सर्वनाम का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, ऑप्शन नंबर बी, श्याम का आपसे क्या संबंध है, ऑप्शन नंबर सी, मैंने पुस्तक पढ़ ली और ऑप्शन नंबर डी, आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम के द्वारा अपनेपन का बोध हो या एक ऐसा सर्वनामिक शब्द जो अपनेपन का बोध कराए उसे रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन देखिए, इसके उदाहरण है मैं यह काम आप ही कर लूंगा, मतलब यहाँ पर व्यक्ति विशेष है जो अपनेपन का बोध करा रहा है। श्याम का आपसे क्या संबंध है कहता है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने पुस्तक
पढ़ ली कहता है तो वो अपने पन का बोध कराने के बावजूद अपना व्यक्तित्व बता रहा है और आपको सूचित कर दिया जाएगा कह देने से किसी मध्यम पुरुष से बात की जा रही है। इसलिए इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप, स्वयं, खुद, स्वतः ऐसे शब्द हैं जो निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अब कंफ्यूजन है आप को लेकर, यदि मैं यह कहूं कि आपको सूचित कर दिया जाएगा आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछ रहे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं जो मध्यम पुरुष है। लेकिन मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपना आपा खो बैठा, मुझे अपने आप पर भरोसा है कहता है, तो अपनेपन का बोध कराने की वजह से वह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कुछ भी, ऑप्शन नंबर बी कुछ न कुछ, ऑप्शन नंबर सी सब कुछ, और ऑप्शन नंबर डी जो और वह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध ना हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जिसे इनडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ, कोई, सभी, सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो और वह का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंध सूचक के तौर पर करते हैं। इसलिए कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो और वह, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उसे क्या पता, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब तक मैंने कुछ सर्वनाम के उदाहरण और उसकी परिभाषाएं बताई है, जिसमें मैंने आपको निजवाचक बता दिया है और अनिश्चय बताया है। बचते हैं दो, एक है हमारे लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति विशेष से कोई प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न पूछे जाने वाले सर्वनाम के शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, कौन, किसे, किसको, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अगला, जहां एक सर्वनामिक शब्द का संबंध दूसरे सर्वनामिक शब्द से जोड़ा जाए वहां संबंध सूचक या संबंध बोधक या रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जो, सो, जिसे, उसे, जिसका, उसका कहता है, तो एक सर्वनामिक शब्द कि उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, यह ऑप्शन नंबर ए को संबोधित करता है, यानी कि यह उदाहरण संबंधवाचक सर्वनाम का होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेहरू जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपने जेल में रहते हुए द इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इस वाक्य में आपने शब्द है। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है कि नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जेल में रहते हुए आपने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इस वाक्य में आपने शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। यहाँ पर नेहरू जी के बारे में बात की जा रही है, तो जहाँ पर किसी के बारे में बात की जा रही है वहाँ वह अन्य पुरुष कहलाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा कि आपने शब्द क्या है, यह हमारे लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस आप का प्रयोग यदि हम अपनेपन को बताने के लिए करेंगे कि मैं आप ही कर लूँगा, तब यह निजवाचक होगा। लेकिन आप क्या करते हैं कहते हैं, तब यह मध्यम पुरुष हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 9 है सोनू गया और सोनू घर गया, दोनों वाक्य में क्रिया के प्रकारों का युग्म है। ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक और सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक और सकर्मक, ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक और तात्कालिक, और ऑप्शन नंबर डी अकर्मक और द्विकर्मक।
तो सबसे पहली बात कि किसी भी कर्ता के द्वारा किया जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि हम क्या कहेंगे, जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ दिया है, एक सेंटेंस दिया है सोनू गया, दूसरा है सोनू घर गया। दोनों वाक्य में क्रिया की कौन से प्रकार का युग्म है, क्या वो प्रेरणार्थक है और सकर्मक है? तो पहली बात कि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता है, किसी दूसरे से वह कार्य करवाता है और कार्य हेतु प्रेरित करता है, तब वह हमारे लिए प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जब किसी वाक्य में कर्म पाया जाता है, कार्य का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में कर्ता तो है पर कर्म पाया नहीं जाता, क्रिया का असर कर्ता पर पड़ता है कर्म पर नहीं, तब वहां होती है अकर्मक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता किसी एक कार्य को पूरा कर लेने के पश्चात उसी समय दूसरे कार्य को करने में सतत कार्यरत हो जाता है, तो उस कर्ता के द्वारा जो पहले कार्य पूरा कर लिया गया उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तात्कालिक क्रिया क्या होती है, जो चल रही होती है क्रिया उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, जहां दो कर्ता वाले वाक्य हो तो हां वो कर्म दो संबोधित होंगे, इसलिए द्विकर्मक होंगे। समझ में आ गई बातें। अब यहां प्रश्न पूछा है, सोनू गया सोनू घर गया, दोनों वाक्य में क्रिया के प्रकार का युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, सोनू गया कहने से सोनू कर्ता संबोधित हो रहा है। प्रश्न पूछा जाए कि कौन गया, तो सोनू संबोधित हो रहा है, इसलिए सोनू गया अकर्मक हुआ। लेकिन सोनू घर गया कहते हैं तो सोनू कहाँ गया, तो यहाँ पर कर्ता और क्रिया के मध्य में कर्म है, इसलिए यह होती है सकर्मक क्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक और सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए झुठलाना, ऑप्शन नंबर बी मिमियाना, ऑप्शन नंबर सी हिनहिनाना और ऑप्शन नंबर डी फड़फड़ाना। तो इमीडिएट वर्ब यानी कि अनुकरणात्मक क्रिया आखिर क्या होती है? किसी भी आवाज या ध्वनि की नकल पर बनने वाली क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। या किसी पशु पक्षी की आवाज भी हो सकती है, किसी के टकराने से उठने वाली आवाज हो सकती है, जैसे मिमियाना, बकरी के बार बार मे मे कहने से हमने उसे एक नाम दिया, तो बकरी की आवाज मिमियाना उसके आवाज के नकल पर हमने दिया। घोड़े का हिनहिनाना, पंख का फड़फड़ाना फड़फड़ शब्द से, ठीक है। लेकिन इन सब में अनुकरण नहीं है झुठलाना, क्योंकि झुठलाना एक क्रिया का शब्द है, ठीक है। तो क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, बाकी मिमियाना हिनहिनाना और फड़फड़ाना ये अनुकरणात्मक क्रिया की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, दो या दो से अधिक धातुओं के योग में कौन सी क्रिया बनती है? ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी नाम धातु, ऑप्शन नंबर सी यौगिक और ऑप्शन नंबर डी पूर्वकालिक। थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ क्रियाओं को बताया, अब यहाँ पर एक है हमारे लिए अकर्मक क्रिया, यानी कि जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रश्न पूछे जाने पर कर्ता से संबंधित जवाब मिले तो वो अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा, नाम धातु क्रिया क्या होती है, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब कहते हैं या नॉमिनेटिव वर्ब कहते हैं, कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्दों को लेकर यदि उसे क्रिया का रूप दिया जाए कुछ प्रत्ययों को जोड़कर, तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, इसी प्रकार इन्हें साठ से सठियाना बना, तो नाम धातु क्रिया होगी। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, जहां किसी कर्ता के द्वारा कोई कार्य पूरा कर लिया गया है और उस कार्य को पूरा करने के बाद वह तुरंत किसी
कार्य करने को जुट जाता है तो पहले जो कार्य पूरा किया वह है उसकी पूर्वकालिक क्रिया। परंतु प्रश्न ने क्या पूछा है कि दो या दो से अधिक धातुओं के योग से कौन सी क्रिया बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी यौगिक क्रिया, जिसे ज्वाइंट वर्ब कहते हैं, जिसे कंबाइंड वर्ब कहते हैं, जिसे संयुक्त क्रिया भी कही जाती है यौगिक क्रिया के साथ। जैसे कि जहां पर हम कहते हैं मोहन चल दिया, मैं सहसा उठ बैठा, तो जहां दो क्रियाओं को चलना और देना दो अलग अलग क्रिया है, उठना और बैठना दो अलग अलग क्रिया है, इसके बावजूद इसे एक क्रिया का रूप दिया गया, अर्थात दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रिया यौगिक क्रिया कहलाती है। और इस यौगिक क्रिया में पहले प्रयोग होने वाली क्रिया को प्रमुख या हम इसे मुख्य क्रिया कहते हैं, और वह क्रिया जो उसकी सहायता प्रदान करती है, लिया दिया गया चुका कीजिए जाया पाया, ये सब वो हमारे लिए सहायक क्रिया कहलाती है, यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, लिखवाना में कौन सी क्रिया है, सकर्मक, पूर्वकालिक, अनुकरणात्मक या प्रेरणार्थक। सारी क्रिया के उदाहरण मैंने आपको समझा दिए हैं, एक बचता है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो लिखवाना में कौन सी क्रिया है, पहली बात सकर्मक, जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, पूर्वकालिक अभी मैंने बताया, किसी आवाज की नकल पर बनने वाली क्रिया को अनुकरणात्मक कहते हैं, तो लिखवाना में कौन सी क्रिया है, तो प्रेरणार्थक। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे के माध्यम से कार्य को करवाता है, चूंकि वह कर्ता उस व्यक्ति को कार्य हेतु प्रेरित करता है, इसलिए ऐसी क्रिया जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, जिसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसके दो स्वरूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक, जैसे कि यदि मुख्य क्रिया लिखना है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक बन जाता है लिखाना। ठीक है, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक के तौर पर इसका रूप बन जाता है लिखवाना। ठीक है, तो लिखना मूल धातु है, इसकी प्रथम प्रेरणार्थक लिखना और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखवाना बनेगी। तो लिखवाना में कौन सी क्रिया है, तो लिखवाना में प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, हेमा ने पाठ पढ़ लिया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए सामान्य क्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर सी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन नंबर डी पूर्वकालिक क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होती है, सकर्मक या अकर्मक वाला ऐसा वाक्य जहां कर्ता के द्वारा सामान्य तौर पर किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जहां दो क्रियाओं को जोड़ दिया जाए उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्द को क्रिया का रूप दिया जाए तो नाम धातु क्रिया कहते हैं। और कर्ता यदि किसी कार्य को पूरा करने के पश्चात दूसरे कार्य को करने में शुरू होता है और पहले जो पूर्व कार्य को कर लिया उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ने पूछा है कि हेमा ने पाठ पढ़ लिया, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त क्रिया, कि पढ़ लिया कह रहा है, तो पढ़ना और लेना दो क्रिया के धातु शब्द हैं, तो दो क्रिया के धातु शब्द को यहाँ जोड़ा गया है, इसलिए हेमा ने पाठ पढ़ लिया वाक्य में संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, जहाँ दो क्रियाओं को जोड़कर उसे एक क्रियात्मक रूप दिया जाए उसे ज्वाइंट वर्ब कहा जाता है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दर्शन का वचन बताइए। अब वचन क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की एकता या उसकी बहुलता का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहा जाता है। यह एक संज्ञा और सर्वनामिक शब्द के विकारी होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वचन एक की संख्या बताने वाला एक वचन और एक से ज्यादा हो गए तो वो हो जाते हैं हमारे लिए बहुवचन। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां तीन प्रकार के वचन क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन पाए जाते हैं।
रहते हैं, परंतु हिंदी भाषा में केवल दो प्रकार का वचन पाया जाता है। दर्शन का वचन बताइए, ऑप्शन नंबर ए है एकवचन, ऑप्शन नंबर बी है द्विवचन, ऑप्शन नंबर सी है बहुवचन और ऑप्शन नंबर डी है कुछ भी नहीं। तो वचन बदलने के लिए हम यहाँ कुछ प्रत्यय शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इसी तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एकवचन में और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे लिए आदरणीय हैं, हमसे बड़े हैं, वह एक व्यक्ति विशेष होकर भी बहुवचन के तौर पर उसका प्रयोग किया जाता है। मंत्री भाषण दे रहे हैं, पिताजी भोजन खा रहे हैं, माता शिक्षिका माता से बात कर रही हैं, या अगर हम कहें कि पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो ये हमारे आदरणीय हैं, हमसे बड़े हैं, इसलिए एकवचन का व्यक्ति विशेष होकर भी इनको हम बहुवचन के तौर पर प्रयोग करते हैं। उसी तरह प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर यदि हम कहें, समाचार यदि हम कहें, तो ये ऐसे तत्व हैं जो हमेशा बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन गिरि, क्षमा, क्रोध, छाया, याचना, भीख, प्यास, प्रेम, नफरत, घृणा, वीरता, बहादुरी कहें, सत्य, अहिंसा कहें, ये सारे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन की श्रेणी में आते हैं। तो दर्शन का वचन बताइए, तो दर्शन बहुवचन है क्योंकि मंदिर में पंडित जी ने भगवान के दर्शन कराए, या हम कहते हैं हमने दर्शन किए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। संज्ञा शब्द के विकारी होने का एक कारण वचन भी है, क्या आप इस कथन से असहमत हैं, सहमत हैं, तर्कसंगत नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अभी मैंने बताया किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की एकता या बहुलता का बोध कराने वाला शब्द वचन कहलाता है। अब यदि हम कहते हैं एक वचन में, जैसे कि लड़का, जो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि हम इसे बहुवचन में बदलें तो यह बहुवचन में बदलकर लड़कों हो जाता है। यानी कि संज्ञा शब्द के विकारी होने का एक कारण वचन भी है। हाँ, हम इस बात से ऑप्शन नंबर बी सहमत हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या पूछता है कि वचन परिवर्तन हेतु प्रयुक्त प्रत्यय शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गण, ऑप्शन नंबर बी वृंद, ऑप्शन नंबर सी जन और ऑप्शन नंबर डी मन। वचन परिवर्तन करने के लिए कुछ प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। जैसे अधिकांश तौर पर हम क्या करते हैं, जैसे लड़का है तो हम कहते हैं लड़के, बालक है तो हम कहते हैं बालकों, माता है तो माताएं, ठीक है, इसी तरह नदी से नदियां, पक्षी से पक्षियां, ठीक है, ये सारे शब्द हैं जो वचन परिवर्तन के समय इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रत्यय की तरह वचन में बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। अब यदि हम गण कहें तो अध्यापक गण, शिक्षक गण, छात्र गण कहते हैं, पक्षी वृंद कहते हैं, पक्षी समूह कहते हैं, हम अगर कहें दो जन, दस जन, बहुत जन। लेकिन ये जो मन शब्द है, यह छत्तीसगढ़ी भाषा में इस्तेमाल होता है। यानी कि वचन परिवर्तन हेतु प्रयुक्त शब्द हिंदी में ऑप्शन नंबर डी मन नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर हम मन, तुम मन, ए मन, ओ मन का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में हम इस मन का प्रयोग नहीं करते। इसलिए वचन परिवर्तन में प्रयुक्त प्रत्यय शब्द ऑप्शन नंबर डी मन नहीं है। बाकी गण, वृंद, जन, संघ, वर्ग, इन सारे शब्द का इस्तेमाल प्रत्यय के तौर पर एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हमारे द्वारा किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ी वाला युग्म है। ऑप्शन नंबर ये शाला, शालाएं, बुढ़िया, बुढ़िया, रानी, रानियां, राजा, राजाएं। यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जोड़े गए प्रत्ययों का प्रयोग बताया गया है कि क्या ये प्रयोग जो एक वचन से बहुवचन में किया है वो तर्कसंगत है। हाँ, तो शाला से हो जाती है शालाएं, यानी जिस शब्द का अंत आ से हो उसे हम ए में बदल देते हैं, जैसे कि माता से माताएं,
कला से कलाएं, इसी प्रकार जो या से अंत होता है उसमें हम या लगा देते, जैसे बुढ़िया से बुढ़िया, चिड़िया से चिड़िया, पुड़िया से पुड़िया, रानी है तो हम रानिया कहते हैं, लेकिन राजा है तो हम राजाएं नहीं कहते, बल्कि कभी कभी कारक विभक्तियों के साथ में वचन परिवर्तन होता है और कभी कारक विभक्तियों की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जैसे राजा है तो हम राजाओं कहेंगे, इसलिए एक वचन बहुवचन के गलत जोड़ी वाला युग्म है ऑप्शन नंबर डी, राजा है तो राजाओं कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या पूछा है कि 5.5 दर्जन केले में कौन सा विशेषण है। अब विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है गुणवाचक विशेषण और ऑप्शन नंबर डी है सर्वनामिक विशेषण। तो आखिर ये विशेषण क्या होते हैं, जब किसी संज्ञा और सर्वनामिक शब्द के नाप तौल या मात्रा संबंधी बातों का बोध हो वहां परिमाणवाचक विशेषण होगा, जहां किसी संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध हो तो संख्यावाची विशेषण होगा, गुण दोष स्वभाव दशा धर्म स्वाद गंध रूप रंग आकार प्रकार संबंधी गुण संबंधी बातों का बोध हो तो गुणवाचक विशेषण होगा, और यदि किसी सर्वनामिक शब्द के द्वारा किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए तो वो सर्वनामिक विशेषण होगा। प्रश्न ने क्या कहा है, 5.5 दर्जन केले में कौन सा विशेषण है। अब आपका कंफ्यूजन क्रिएट होता है परिमाणवाचक है या संख्यावाची है। सबसे पहली बात तो गुण की बात हो ही नहीं रही है, इसलिए इसका आंसर नहीं लिया जाएगा, न ही सर्वनाम के द्वारा कोई विशेषता बताई जा रही है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इन दोनों में। देखा जाए तो 5.5 दर्जन बोला है, यानी कि केले उसने हमें गिन कर दिए हैं, लेकिन 5.5 किलो कहता तब वो माप होता। ठीक है, तो जहां गिनती है वहां संख्यावाची विशेषण, और जहां नाप तौल है मीटर किलोमीटर पाव आधा, ये सारे जो माप तौल होंगे नाप होंगे उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, लेकिन जहां संख्याओं को गिना जाएगा वहां संख्यावाची विशेषण होंगे। तो 5.5 दर्जन केले में कौन सा विशेषण कहता है, तो ऑप्शन नंबर बी संख्यावाची विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, चाय में कुछ चीनी और मिला दो वाक्य में कुछ शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो अभी मैंने बताया कि यदि किसी संज्ञा शब्द के नाप तौल संबंधी बातों की विशेषता बताई जाए तो परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, और यदि संज्ञा शब्द की यदि वो संख्या संबंधी विशेषता बताए तो संख्यावाची विशेषण होता है। अब चाय में कुछ चीनी और मिला दो कहता है तो कुछ शब्द की पहचान कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया है परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर यह नाप तौल और मात्रा की बात बता रहा है कि चाय में कुछ चीनी और मिलानी है, तो सबसे पहला है कि यह परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरी बात, कुछ थोड़ा तनिक ज्यादा कम अधिक, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें मात्रा निश्चित नहीं है। यदि वह 2 चम्मच कहता 4 लीटर कहता 5 मीटर कहता तो परिमाण उसका निश्चित होता, लेकिन यहाँ पर कुछ चीनी मिलाने की बात कर रही है, मात्रा निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी है। ध्यान रखेंगे, अगर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण नहीं रहता ऑप्शन में तो इसका आंसर होता केवल ऑप्शन नंबर ए, लेकिन यह प्रश्न में दोनों ऑप्शन दिए हैं कि परिमाणवाचक विशेषण तो है ही, साथ में यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा कि चाय में कुछ चीनी और मिला दो वाक्य में कुछ शब्द है जो परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन जहां मात्रा निश्चित होगी वहां निश्चित परिमाण होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, 5 मीटर कपड़ा 2 किलोमीटर दूर कहता है तो निश्चित परिमाणवाचक होंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20, बालिका अपनी कक्षा में सबसे होशियार है
वाक्य में विशेषण की तुलना का कौन सा आधार है? अब विशेषण में एक होता है तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक मतलब जब किसी संज्ञा शब्द की या किसी एक व्यक्ति विशेष की किसी से तुलना के माध्यम से विशेषता बताई जाए तो तुलनात्मक विशेषण होता है। यह तुलना दो व्यक्तियों के मध्य हो सकती है, यह तुलना सबके मध्य हो सकती है। इसलिए विशेषण की तुलना के तीन आधार होते हैं। इंग्लिश की तरह, संस्कृत की तरह हिंदी में भी विशेषण की तुलना का आधार माना जाता है। जब वह आधार केवल मूल रूप से उसके गुण की विशेषता बताए तो हम उसे पॉजिटिव डिग्री यानी कि मूलावस्था कहते हैं। जब दो में यदि वह उसकी विशेषता बताता है कि इन दोनों से, तब वह कंपैरेटिव डिग्री यानी कि हमारे लिए वह उत्तरावस्था हो जाता है। लेकिन यदि सभी से तुलना करता है तो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि वह हमारे लिए उत्तमावस्था हो जाती है। प्रश्न ने क्या पूछा है कि बालिका अपनी कक्षा में सबसे होशियार है, मतलब राधा मोहन से बुद्धिमती है कहते, तब वह हमारे लिए उत्तरावस्था होती। राधा होशियार है कहते तो मूलावस्था होती, लेकिन यहां पर क्या कहा है कि सबसे होशियार है, मतलब यह सबसे उत्तम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। तो बालिका अपनी कक्षा में सबसे होशियार है वाक्य में विशेषण की तुलना का कौन सा आधार है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तमावस्था का आधार है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन विशेष्य विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, मेरा लड़का आलसी है। ऑप्शन नंबर बी, सतीश सुंदर लड़का है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली बात, विशेष्य क्या होते हैं और विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वह शब्द होता है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। अच्छा, भला, बुरा, कायर, मोटा, दुबला, पतला, रोगी, स्वस्थ, हरा, लाल, नीला, पीला, ये सारे विशेषण के शब्द होते हैं। विशेष्य वो होते हैं जिसके विषय में विशेषता बताई जाती है। या तो ये विशेष्य संज्ञा शब्द हैं या वो सर्वनामिक शब्द हैं। इनकी वचन एक है या ये बहुवचन में है, या तो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो प्रश्न ने क्या पूछा है, इनमें से कौन विशेष्य विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है। अब देखिए, सुंदर विशेषण का शब्द है, लड़का विशेष्य है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यदि विशेष्य कहा जा रहा है लड़का और विशेषण का शब्द है आलसी, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इनमें से कौन सा विशेष्य विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए, मेरा लड़का आलसी है, यह विशेष्य विशेषण का उदाहरण हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ लड़के जा चुके हैं, कुछ लड़के जा चुके हैं। इस वाक्य में कुछ शब्द के विशेषण का भेद बताइए। ऑप्शन नंबर ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जिसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जहाँ रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, स्वाद, गंध, स्पर्श आदि संबंधी गुणात्मक भावों का बोध हो, वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है, जिसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन जहाँ पर परिमाण है, संज्ञा शब्द के नाप तौल संबंधी बातों का बोध हो, तो उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। निश्चित है तो डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि निश्चित परिमाण। जहां मात्रा माप तौल की निश्चित नहीं है तो इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि अनिश्चित परिमाण कहेंगे। लेकिन जहां पर संख्या की बोध हो उसे न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव कहते हैं, उसे काउंटेबल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जहां संख्या निश्चित तौर पर गिनी जाए तो डेफिनेट न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव कह सकते हैं या काउंटेबल न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव कह सकते हैं। लेकिन जहां संख्या निश्चित नहीं है तो अनकाउंटेबल न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव
या उसे इनडेफिनेट अनकाउंटेबल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहेंगे। यहाँ पर कुछ लड़के कह रहा है इसलिए यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। एक बार और क्लियर कर दूं कि परिमाणवाचक विशेषण में नाप तौल होता है और संख्यावाची विशेषण में गिनती होती है। यदि नाप तौल निश्चित है तो निश्चित परिमाण और गिनती निश्चित है तो निश्चित संख्या। नाप तौल निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाण और संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के नाम से उसे पुकारा जाएगा। तो कुछ लड़के जा चुके हैं कह रहा है तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा, लेकिन यदि यही कहता कि 10 छात्र जा चुके हैं तो निश्चित संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में वो आता। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न में से पुरलिंग शब्द की पहचान कीजिए। अगला प्रश्न है निम्न में से पुरलिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन है परिवार, ऑप्शन नंबर बी है मोती, ऑप्शन नंबर सी है परिषद और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष के होने का बोध हो उसे पुरलिंग और स्त्रीलिंग बताने वाला शब्द यानी कि लिंग कहा जाता है। पुरलिंग शब्द की पहचान कीजिए कह रहा है, तो यहाँ पर पुरलिंग शब्द में परिवार, मोती, परिषद कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी मतलब परिवार और मोती ये दोनों पुरलिंग शब्द है जबकि परिषद जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर्वत, ऑप्शन नंबर बी भाषाएं, ऑप्शन नंबर सी तिथियां और ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो नदी जो है आपके, नक्षत्र, तिथियां, लिपियां, भाषाएं, बोलियां, लताएं, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में होती है। ठीक है, लेकिन यदि हम पर्वत की बात करें, समुद्र, पर्वत, विशिष्ट स्थान, दिन, महीनों के नाम यदि बात करें, परिवार, समाज, समुदाय कहें, ये सारे शब्द हमेशा पुरलिंग की श्रेणी में होते हैं। तो निम्नलिखित में किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं? तो भाषाएं, तिथियां यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बतलाया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यदि मटर पुरलिंग है तो दही का लिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि मटर पुरलिंग है तो दही का लिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पुरलिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी नपुंसक लिंग और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। प्राकृतिक तत्व हो, खाने पीने की वस्तु हो, वृक्ष हो, लताएं हो, सबको लिंग में विभक्त किया गया है, इसलिए यदि हम मटर, चावल, तिल कहते हैं तो सब पुरलिंग की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह यदि हम लिक्विड फॉर्म में यदि हम कहते हैं दूध, दही, घी, तेल, रक्त, डीजल, ये सब भी हमारे लिए पुरलिंग की श्रेणी में आते हैं, यानी यदि मटर पुरलिंग है तो दही का लिंग भी पुरलिंग ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, खटमल शब्द का लिंग बताइए। खटमल शब्द का लिंग बताइए, ऑप्शन नंबर ए नपुंसक लिंग, ऑप्शन नंबर बी एक लिंगी, ऑप्शन नंबर सी पुरलिंग और ऑप्शन नंबर डी बी और सी। बहुत सारे पशु और पक्षी ऐसे हैं जहां लिंग निर्धारण करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, जैसे कुत्ता है तो कुतिया, बाघ है तो बाघिन, हाथी है तो हथिनी, इसी तरह ऊंट है तो ऊंटिनी, सांप है तो सर्पिणी। ठीक है, इसी तरह अपोजिट जेंडर पहले से डिसाइडेड है, माता पिता, भाई बहन, भैया भाभी, ये पहले से डिसाइडेड है। लेकिन देखा जाए तो कुछ जीव ऐसे होते हैं या तो हमेशा पुरलिंग की श्रेणी में आते हैं या ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। इसलिए देखा जाए तो खटमल शब्द जो है वह एक लिंगीय जीव होता है, इसे हमेशा पुरलिंग की श्रेणी में रखा जाता है। घून, खटमल, उल्लू, गीदड़, चीता, ये सब हमारे लिए एक लिंगीय पुरलिंग शब्द है। जब इसे स्त्रीलिंग में बदलना होता है तो मादा खटमल या हम नर खटमल के नाम से उसे संबोधित करते हैं, इसलिए खटमल शब्द बी और सी दोनों की श्रेणी में आएगा कि या तो ये एकलिंगी जीव है जो हमेशा पुरलिंग की श्रेणी में आता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है 27,
विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं, विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं यह भूतकाल के किस रूप का उदाहरण है, यानी संज्ञा और सर्वनामिक शब्द के द्वारा, यानी कि जब किसी कर्ता के द्वारा किसी कार्य के करने या उसके होने के समय का बोध हो तो उसे काल कहा जाता है। यह काल जो तीन प्रकार के है, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। तो यहाँ दिया है विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं यह भूतकाल के किस रूप का उदाहरण है, तो किसी कार्य के समाप्ति का सूचक होता है भूतकाल। भूतकाल के यहाँ ऑप्शन दिए हैं, आंसर ऑप्शन नंबर ए है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी है आसन्न भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण भूतकाल और ऑप्शन नंबर डी है अपूर्ण भूतकाल। जहां किसी कार्य का सामान्य तौर पर पूर्णता का बोध हो तो सामान्य भूत, जो थोड़े ही समय पहले कार्य की पूर्णता का बोध है तो आसन्न भूत, जहां कार्य की पूर्णता का बोध है वो पूर्ण भूत और कार्य की अपूर्णता का बोध अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। यहां प्रश्न है विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं यह भूतकाल के किस रूप का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी है इमीडिएट पास्ट टेंस यानी कि आसन्न भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। किसी भी वाक्य का वर्तमान समय में होने का सूचक कहलाता है वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर ए है उसने फल खाए, अचानक बिजली कौंध उठी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, कल वर्षा होगी। तो किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, कहता है उसने फल खाए कहकर कार्य समाप्ति है, अचानक बिजली कौंध उठी कहता है तो कार्य समाप्ति है, कल वर्षा होगी कहकर आने वाले समय का सूचक है, लेकिन यदि वह कहता है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है। अर्थात इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, यह वाक्य वर्तमान काल में है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलते हैं, बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी वाक्य में काल है, संभाव्य काल, भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल। जब किसी कार्य में आने वाले समय के कार्य के होने का बोध हो तो उसे भविष्य काल कहते हैं। यहाँ कह रहा है बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी, यानी कि यह जो है ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल का उदाहरण है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछता है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि इनमें से वर्तमान काल का भेद नहीं है, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल और पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। तो ध्यान रखेंगे कि सामान्य तौर पर वर्तमान में कार्य का होने का बोध है सामान्य वर्तमान, वर्तमान काल के कार्य में संभावना हो तो संदिग्ध वर्तमान। चूंकि यहाँ वर्तमान काल में कार्य शुरू तो हो परंतु पूर्णता न हो तो पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, लेकिन आसन्न वर्तमान काल जैसा कोई भी उदाहरण प्रयोग में भेद में वर्तमान काल का माना नहीं जाता, आसन्न भूतकाल होते हैं, इसलिए निम्न में से वर्तमान काल का भेद ऑप्शन नंबर सी आसन्न वर्तमान काल नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31, किस वाक्य में अपादान कारक है। कारक क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित हो उसे कारक रचना कहते हैं, जिस चिन्ह के द्वारा उसे संबोधित किया जाता है उस चिन्ह को कारक चिन्ह कहा जाता है। तो अपादान क्या होते हैं, कर्ता कार्य को करने वाला, उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म, जिस साधन के द्वारा कार्य करता है वह करण, किसी को समर्पित करता है तो संप्रदान, लेकिन डर भय तुलना की वजह से यदि वह कार्यकर्ता से पृथक हो जाए तो वहां अपादान कारक होता है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और कान से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए कहता है, तो ऑप्शन नंबर सी नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा का जो उद्गम अमरकंटक है तो अलगाव और पृथककरण है, इसलिए इन वाक्यों में से ऑप्शन नंबर सी में अपादान कारक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक और करण कारक। तो अपादान कारक अलगाव और पृथककरण है, किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति विशेष कर्ता कारक है,
किसी कार्य का साधन और माध्यमकरण कारक होता है, लेकिन यदि वह कार्य किसी को समर्पित करता है तो संप्रदान कारक कहलाता है। इसलिए अमेरिका के द्वारा भारत को जो आर्थिक सहायता दी गई तो सहायता किसके लिए हुई, भारत के लिए। तो अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी में सी संप्रदान कारक विभक्ति का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वृक्ष को काटने का माध्यम है कुल्हाड़ी, इसलिए कर्ता संप्रदान संबंध और करण में से कौन सी कारक है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ है करण कारक। वृक्ष के द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष का काटा जाना, तो वृक्ष के काटे जाने का माध्यम बना हमारे लिए कुल्हाड़ी, इसलिए कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है में करण कारक विभक्ति होगी। अगला है हमारे लिए, अगला क्वेश्चन जो है, कुएं में पानी है, कुएं में पानी है, तो जब किसी कार्य के स्थान को प्रदर्शित किया जाता है तो वहां अपादान नहीं बल्कि अधिकरण कारक होता है। यानी कि अपादान जो अलगाव और पृथककरण बताता है, करण जो कार्य को करने का माध्यम बताता है, कर्म जो कर्ता के द्वारा किया जाने वाला है, लेकिन अधिकरण कार्य के स्थान को बताता है। आंतरिक तौर पर हम मे का प्रयोग करते हैं और बाह्य तौर पर हम पर का प्रयोग करते हैं। डाल पर चिड़िया बैठी है और देखा जाए तो कुएं में पानी है, तो पानी का स्थान कुआं है, इसलिए यहाँ पर होगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, राधा ध्यान पूर्वक पढ़ती है वाक्य में किस प्रकार का अव्यय शब्द है। अव्यय या अविकारी शब्द से इनडेक्लिनेबल वर्ड्स कहते हैं, वो क्या होते हैं, जिस शब्द में वचन और लिंग के अनुसार किसी भी प्रकार का विकार रूपांतर उत्पन्न ना हो, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द, इनडेक्लिनेबल वर्ड्स या अव्यय कहते हैं। प्रश्न ने पूछा है राधा ध्यान पूर्वक पढ़ती है, यह किस प्रकार के अव्यय का उदाहरण है, क्या वो संबंध बोधक है, क्या वो क्रिया विशेषण है, क्या वो संयोजक है, या वो कुछ भी नहीं है। संबंध बोधक क्या होते हैं, संज्ञा के तुरंत बाद आकर दूसरे शब्दों से संबंध बताने वाले अव्यय को संबंध बोधक कहते हैं। किसी भी क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। दो शब्द पदों को या वाक्यांशों को जोड़ने वाले को संयोजक कहा जाता है। प्रश्न कहता है पढ़ती है, चूंकि पढ़ना क्रिया है और उसकी विशेषता है कि वो कैसे पढ़ती है, ध्यान पूर्वक, तो वाक्य में राधा ध्यान पूर्वक पढ़ती है कहते हैं, तो यह क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बच्चा ढेर सारा दूध पी गया वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अभी मैंने बताया किसी भी कार्य को करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाला है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए है समय सूचक, जब किसी क्रिया की समय के अनुसार विशेषता बताई जाए तो समय सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, अब तब जब कब सुबह शाम दोपहर। जहां किसी कार्य की मात्रा संबंधी बोध बताया, इतना उतना जितना कितना थोड़ा कम ज्यादा, तो परिमाणवाचक, मतलब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। यदि वो मैनर्स बताता है ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, शीघ्रता से, हौले से, ये सारे हमारे लिए रीति होते, इसलिए रीतिवाचक यानी एडवर्ब ऑफ मैनर्स। लेकिन अगर वो प्लेस बताता है, यहाँ वहां जहां तहां अंदर बाहर भीतर, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न क्या कहा है, बच्चा ढेर सारा दूध पी गया, मात्रा के अनुसार क्रिया की विशेषता है कि दूध पी गया, पर कितना सारा, ढेर सारा, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, साधन बोधक संबंध सूचक शब्द है, तो मैंने पहले बताया कि जब कोई क्रिया विशेषण का शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है तब तक वो क्रिया विशेषण है, लेकिन वही क्रिया विशेषण के शब्द यदि संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आकर दूसरे शब्दों से संबंध बता दे तो संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं। तो यहाँ पूछा है साधन बोधक संबंध सूचक शब्द है, सामने, मार्फत, उपरांत या अपेक्षा। अपेक्षा की बात करें तो वो तुलना है, सामने की बात करें तो वो स्थान है, उपरांत की बात करें तो परिणाम है, लेकिन मार्फत कहता है मतलब साधन या माध्यम, इसके मार्फत, इसकी बदौलत, इसके द्वारा, इसके जरिए कहता है, तो साधन बोधक संबंध में ऑप्शन नंबर बी है मार्फत। अगला प्रश्न पूछते हैं संयोजक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है दो, ऑप्शन नंबर बी कहता है तीन, ऑप्शन नंबर सी
सी कहता है चार और ऑप्शन नंबर डी कहता है पांच। दो शब्द पदों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है हमारे लिए संयोजक। और ये संयोजक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समानाधिकरण संयोजक और एक होते हैं व्यधिकरण संयोजक। समानाधिकरण के भी उपभेद होते हैं, विरोध होता है, विभाजक होता है, यहां तक कि वहां पर उसका प्रयोग में वैकल्पिक भी होते हैं, ठीक है, और परिणाम भी होता है। लेकिन यहां सिर्फ ये पूछा है संयोजक के कितने भेद होते हैं, तो संयोजक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण संयोजक और व्यधिकरण संयोजक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया वाक्य में किस वाच्य का उदाहरण है? वाच्य यानी कि वॉइस। वाक्य में क्रिया के मुख्य विषय का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है वाच्य। ये वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के वचन लिंग और पुरुष के अनुसार हो कर्तृवाच्य, जिस वाक्य क्रिया कर्म पर आधारित हो वो है कर्मवाच्य, और कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव पर आधारित हो तो वहां होता है भाववाच्य। यहां पर सबसे बड़ी पहचान है कि पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया। मोहन पत्र लिखता है कहते तब वो कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस होता, परंतु यहाँ जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार है, तो सबसे बड़ी पहचान कि कर्ता के बाद से और के द्वारा आए और क्रिया कर्म के अनुसार हो जाए तो वहां कर्मवाच्य होता है, और कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया में होती है, जबकि कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होती है। तो ध्यान रखेंगे कि पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया किस वाच्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। निम्न में निपात शब्द नहीं है, निपात का मतलब क्या होता है? निपात का मतलब है जो कहीं भी गिर पड़े। किसी भी वाक्य में बल प्रदान करने के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को निपात कहा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द है जो निपात में प्रयोग नहीं होता? हम भर का प्रयोग करते हैं, जीवन भर कहते हैं, यहां तक वहां तक कहते हैं, मैं ही तुम ही कहते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो का प्रयोग निपात के रूप से किया नहीं जाता। तो निम्न में निपात शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो। अब यहां पर प्रश्न आया है संधि से, ठीक है, तो संधि क्या होती है? दो वर्णाक्षरों के परस्पर मिलने से वर्णाक्षरों में होने वाले रूपांतर या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। हिंदी में यह संधि संस्कृत से ली गई है, जहां दो स्वरों के मेल से स्वर विकार का परिवर्तन स्वर संधि, स्वर और व्यंजन के मिलने से व्यंजन का विकार व्यंजन संधि, और स्वर और व्यंजन के मिलने से विसर्ग का विकार विसर्ग संधि कहलाता है। यह हमेशा से आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ने यहां पूछा है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? संधि कहां होती है? पहले शब्द का अंतिम वर्णाक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्णाक्षर के मध्य ही संधि होती है। तो व्यर्थ शब्द में किस वर्ण की संधि हुई है, यह उदाहरण है जो यण स्वर संधि का है। अगर हम इसका विच्छेद करें तो वि धन अर्थ होगा, इस व में से ई और यहां पर अ, तो ई और अ से मिलकर बना है ई, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ई और अ से व्यर्थ मतलब वी अर्थ से व्यर्थ बना है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है तमो गुण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए तम धन अवगुण, ऑप्शन नंबर बी तमो धन गुण, ऑप्शन नंबर सी तमा धन गुण, और ऑप्शन नंबर डी तम धन गुण। तो सबसे पहली बात कि यह किस संधि का उदाहरण है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, कि विसर्ग से पहले यदि अ या आ का स्वर हो, होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या तो वो य र ल व हो या वो उष्म का ह हो, ऐसी सिचुएशन में विसर्ग जो है ओ की मात्रा में बदलता है। तो तमह धन गुण कहता है, तमह धन गुण कहता है, तो विसर्ग से पहले अ है, होने वाली संधि ओ है, इसलिए विसर्ग ने खुद को ओ की मात्रा में बदल दिया, इसलिए
तम ओ गुण से हमारा उदाहरण क्या बन गया, तमह गुण, यानी कि हमारा तमह गुण जो है वो तमह गुण से निर्मित है। तो आंसर होगा तमह गुण का संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर डी, तमह धन गुण। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण पहचानिए या निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए। चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है नयन, ऑप्शन नंबर बी है निर्बल, ऑप्शन नंबर सी है संयम और ऑप्शन नंबर डी है निराशा। तो नेधन अन से हुआ नयन ये अयादि स्वर संधि है, निधन बल से बना निर्बल ये विसर्ग संधि है, निधन आशा से हुई निराशा यह भी विसर्ग संधि है। लेकिन यदि हम सम धन यम देखें संधि विच्छेद करके, तो पहले बात यह है कि जिस शब्द के अंत में हलंत वाला वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, उसके बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन, संधि की पहचान पहले शब्द के अंतिम वर्ण से। यहां हमको ये प्राप्त हुआ कि यह हलंत वाला म है, होने वाली संधि यदि स्पर्श वर्ण हो क से लेकर मछली के म तक, या तो वो अंतस्थ हो य र ल व, या वो उष्म हो श श स और ह, होने वाली संधि में यह अपने आप को अनुस्वर में बदलता है, तो सम धन यम से बन जाता है संयम। इसलिए 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयम, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। पुनर्विवाह में संधि होगी, एक शब्द है पुनः जिसमें विसर्ग लगा है, पुनः शब्द के बाद में यदि चाहे वो स्वर हो या कोई भी शब्द हो, पुनः शब्द का जो विसर्ग है वो र में बदल जाता है, इसलिए पुनः विवाह से ऑप्शन नंबर डी बन जाता है हमारे लिए पुनर्विवाह। तो पुनः विवाह में संधि होगी, पुनर्विवाह, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। वाग धन ईश वागीश यह किस संधि का उदाहरण है, अभी मैंने बताया जिस शब्द के अंत में हलंत वाला वर्णाक्षर हो, होने वाली संधि स्वर या व्यंजन हो सकती है, लेकिन इससे यदि व्यंजन वर्ण में परिवर्तन हो तो वह संधि व्यंजन संधि होती है। तो जब किसी वर्णाक्षर का अंत क च ट त या प से हो, होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या वो हमारे लिए स्वर हो या वो य र व और ह हो, ऐसी सिचुएशन में ये वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलते हैं। तो वाक धन ईश में क जो है अपने वर्ग का तीसरे वर्ण ग में बदला, चूंकि यहाँ क के बाद जो परिवर्तन ग में हुआ और यहाँ स्वर की मात्रा ई है, तो ग में ई की मात्रा से वाक ईश से वागीश बन गया और यह नियम जो है वो संधि में व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसलिए वाक धन ईश वागीश यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, कौन सा उदाहरण स्वर संधि का है, स्वर संधि कहाँ होगी, जहां पहले शब्द का अंत भी स्वर होगा, दूसरे शब्द का शुरुआत भी स्वर होगा, दो स्वरों के मिलने से यदि स्वर में कोई विकार उत्पन्न हो तो उसे स्वर संधि कहेंगे। तो कौन सा उदाहरण स्वर संधि का है, निधन आशा से होती है निराशा जो विसर्ग संधि हुआ, अभिधन सेक से बना अभिषेक जो व्यंजन संधि हुआ, अनुधन छेद से बना अनुच्छेद जो भी व्यंजन संधि हुआ, लेकिन प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर कहकर ई और ऊ से मिलकर बना ईयू जो यण स्वर संधि का उदाहरण है। इसलिए इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी प्रत्युत्तर है जो स्वर संधि का उदाहरण है। अगला आते हैं, निम्न में से जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह बताइए। ऑप्शन नंबर ए जीवन से मुक्त, ऑप्शन नंबर बी जीवन में मुक्त, ऑप्शन नंबर सी जीवन द्वारा मुक्त और ऑप्शन नंबर डी जीवन पर्यंत मुक्त। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समास से एक ऐसा प्रश्न पूछा है जहाँ समास विग्रह करके दिए गए हैं, जिसमें से पहचानना है कि जीवन मुक्त का समास विग्रह क्या होगा। जीवन मुक्त का समास विग्रह है जीवन से मुक्त, यानी कि ये हमारे लिए अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला आते हैं, अगला है
जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची प्रधान होकर समाहार को बताए वहां होगा बहुव्रीही, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। तो सबसे पहली बात, बहुव्रीही समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की पहचान बताए वहां बहुव्रीही समास होता है। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो वहां द्वंद्व समास होता है। जिस समास में पहला शब्द दूसरे शब्द पद की विशेषता बताए वहां कर्मधारय समास होता है। लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा है? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची प्रधान हो और समाहार को बताए तो वहां पर होता है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। जैसे कि पंच रत्न कहा, ठीक है, जैसे कि नव ग्रह कहा, तो पहला शब्द है संख्यावाची और संख्यावाची होकर वह समूह को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुव्रीही समास का भेद है, ऑप्शन नंबर ए अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी अलुक, ऑप्शन नंबर सी नन्य और ऑप्शन नंबर डी है हमारे लिए सह बहुव्रीही समास। ठीक है, तो बहुव्रीही समास क्या है? जिस समास का पहला और द्वितीय शब्द पद मिलकर किसी अन्य पद की पहचान बताते वहां होता है बहुव्रीही समास। अधिकरण हमारे लिए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अलुक हमारे लिए तत्पुरुष में स्थान दिया गया एक समास है, नन्य को भी तत्पुरुष में स्थान दिया गया है। नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित एक नकारात्मक शब्द बनाने वाला समास जो विग्रह करते समय कारक विभक्ति को पहचान बताए नन्य तत्पुरुष या नन्य समास कहलाता है। जहां कारक विभक्तियों को लुप्त नहीं किया जा सकता उसे अलुक समास कहते हैं। और कारक रचनाओं में यदि स्थान को संबोधित करने वाले मे और पर जैसी कारक रचना मिले तो अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। लेकिन सह का मतलब होता है साथ। जब किसी शब्द में सह जो संबोधित करता है साथ को, इस सह का स उपसर्ग की तरह जुड़कर यदि वो किसी अन्य पद की पहचान बताए तो वहां पर सह बहुव्रीही समास होता है, क्योंकि बहुव्रीही समास के अलग अलग उपभेद है। व्यधिकरण बहुव्रीही, समानाधिकरण बहुव्रीही, व्यतिहार बहुव्रीही, संख्या बहुव्रीही, मध्यम पद बहुव्रीही और इसी तरह सह बहुव्रीही समास जो है वो होते हैं। तो बहुव्रीही समास का उपभेद है ऑप्शन नंबर डी, सह बहुव्रीही समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम। माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए जीवन पथ पर बढ़ते रहें रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? माता पिता। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो और दोनों पद एक योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हो वहां होता है द्वंद्व समास। इस द्वंद्व समास में दो अपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि सुबह शाम दिन रात, टू अपोजिट जेंडर यूज किए जाते हैं, जैसे राजा रानी माता पिता, या ऑल टाइम पीरियड पेयर में आने वाले वर्ड्स जैसे कि देश विदेश, लाभ हानि, ऐसे शब्दों का समावेश होता है। तो माता पिता यानी कि जिस समास में दोनों शब्द पद की प्रधानता हो वहां होता है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। लेकिन अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला शब्द अव्यय प्रधान हो, उपसर्ग से निर्मित एक अविकारी शब्द हो या अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति योजक चिन्हों से हो तब वहां अव्ययी भाव समास होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। रातों रात में समास है, अब आपका फिर यहां कंफ्यूजन है, रातों रात शब्द में समास है द्वंद्व, बहुव्रीही, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। अभी मैंने बताया कि जब दो अलग अलग शब्द एक योजक चिन्ह से जुड़ा हो तो द्वंद्व समास होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था माता पिता, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं रातों रात। ठीक है, तो हुआ क्या, जहां टू अपोजिट वर्ड्स होंगे, अपोजिट जेंडर होंगे या ऑल टाइम पीरियड वाले वर्ड्स होंगे, जहां हाइफन के बदले हम एक संयोजक शब्द और एवं तथा को इस्तेमाल करेंगे, दोनों पद की प्रधानता होगी तो द्वंद्व होगा। लेकिन एक अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति अगर एक योजक चिन्ह से है, इसके विग्रह करते समय हम ही का प्रयोग करेंगे, तब यह हमारे लिए अव्ययी भाव समास बनाएगा। यानी रात ही रात अगर कहता है तो यहां है हमारे लिए अव्ययी भाव समास। लेकिन तत्पुरुष समास क्या होते हैं? जिस समास में पहला शब्द दूसरे शब्द के अर्थ को सुनिश्चित करे और विभक्त करते समय कारक विभक्तियों की प्राप्ति हो तब वहां होता है हमारे लिए तत्पुरुष समास। कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, इस तरह हमारे लिए 6 तत्पुरुष समास होते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट वन क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शब्द
शब्द कर्मधारय समास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमुखी, ऑप्शन नंबर बी मिग्रेन, ऑप्शन नंबर सी पनघट और ऑप्शन नंबर डी रक्त कमल। तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि कर्मधारय समास क्या होते हैं। जिस समास में पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए, या तो वो विशेषण विशेष्य होकर बताएगा, या वो उपमेय और उपमान होकर बताएगा, या एक ही गुण स्वभाव में रूपक होंगे। तो जिस समास का पहला शब्द दूसरे के अर्थ को विशेषता के माध्यम से बताए तो वहां होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी देखें तो मृगनयन, मतलब मृग के समान नयन, मृगनयन कहते हैं तो मृग के समान नयन, पानी वाली घाट और लाल रंग का कमल कहता है। लेकिन चंद्रमुखी कहते ही यह किसी अन्य को प्रस्तुत करता है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो चंद्रमुखी कर्मधारय समास नहीं है। और इस तरह आज के वीडियो में मेरे द्वारा विकारी अविकारी संधि समास वाच्य और निपात को पूरा कराया गया। मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको हर टॉपिक से हर प्रकार के प्रश्न को लेकर आपको समझाऊं। तो लास्ट वीडियो और आज के वीडियो को मिलाकर तकरीबन 102 प्रश्न मैंने हिंदी भाषा से आपको दो FTR में बताए हैं। उन्हें पढ़िए, समझिए और प्रश्न पत्र को हल करने में उसका प्रयोग कीजिए। आने वाले वीडियो में सी सेट का दूसरा भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।